सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के समीप एक भीषण दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में एक मेटाडोर ने बाइक पर सवार अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और ग्राम प्रधान पाटसौली को बाइक समेत रौंद डाला। ये दुर्घटना इतनी विभत्स थी कि दोनों मेटाडोर के पहिए तले आकर बुरी तरह कुचल गए। मौके पर फैले खून को देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। मेटाडोर चालक ने दुर्घटना के बाद भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने सजगता के साथ उसे पकड़ लिया और तत्काल इलाका पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेटाडोर को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई मोटरसाइकिल को थाने भिजवाया। वहीं मृतक के शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम पाटसौली के नागरिक थाना सुरीर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और ग्राम प्रधान पाटसौली मथुरा में अपने कार्य को निपटाकर वापस गांव की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा घटित हो गया। इस संदर्भ में परिवार के सदस्य ने मंच न्यूज को जानकारी दी। क्या घटना हुई अभी? भैया प्रधान जी और ये मधुसूदन वकील जी अपने काम से गए थे, हमारे गांव के हैं वकील साहब भी जी। और प्रधान जी और ये दोनों मथुरा गए थे अपने किसी काम से जी। और वहां से आ रहे थे, इस मेटाडोर ने लापरवाही से एकदम गाड़ी टक्कर मारी है। किस जगह की घटना है? सुरीर पुल की। सुरीर पुल के बिल्कुल जस्ट नीचे समझ लिया आप, पल्ली साइड से आएंगे तो बिल्कुल पुल के सट के। काफी मांस वगैरह बहुत पड़ा है, अभी मैंने देखा है, मैंने बहुत मास पड़ा है। क्या कोई कैजुअलिटी हुई है क्या? अब दोनों आदमी खत्म है भैया। क्या क्या नाम होंगे? एक सुभय सिंह प्रधान है जो मौजूदा प्रधान है पाटसौली के जी, और एक मधुसूदन वकील साहब हैं जो हमारे गांव के ही हैं, पाटसौली के ही हैं। कहाँ से आ रहे थे ये? मथुरा से आ रहे थे भैया।